तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। थंबनेल देखकर आप लोगों को ज़रूर पता चल चुका होगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम मेरे पास है कीबोर्ड का बैंक हम कैसे सेट कर सकते हैं। मेरे पास है यामाहा i455 का जो कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड में हम बैंकिंग कैसे सेट कर सकते हैं। बैंकिंग सेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में हम जब बजाते हैं, कोई भी गाने को हम जब बजाते हैं, तो सुर क्या है कि ढूंढते ढूंढते हम लेट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग को सेट करके रखते हैं कि कौन सा सुर हमें कहाँ लगाना है। तो इसके लिए हमें एक बैंक बटन दिया है, बैंक मेमोरी का जो बटन है देख सकते हैं, वो बैंक दिया है। यहाँ पर हम चार चार बैंकिंग सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6। एक एक नंबर को हम चार चार बैंक सेट कर सकते हैं, 1 में 4 2 में 4 3 में 4, ऐसे करके सभी बैंकों में हम चार चार बैंकिंग सेट कर सकते हैं। इससे हम लोगों को क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई गाना हम लोग प्ले करते हैं तो हमें बजाने में आसान होता है क्योंकि सुर हम तुरंत मिल जाता है। हम लोगों को पता होता है कि मैं ये ट्यून यहाँ पर सेट करके रखा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, और उसके लिए वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड को ऑन कर लेते हैं। ऑन हो चुका है, आ चुका है हमारा यामाहा। तो इसके लिए पहले हमें वॉइस पर जाना पड़ेगा। वॉइस में आने के बाद कोई भी एक सुर ले लेते हैं, जैसे कि चलिए सितार, सितार नहीं संतूर, चलिए हम संतूर को ले लेते हैं। संतूर है हमारा 12 नंबर पर, वॉइस का जो 12 नंबर पर है संतूर, इसको हम। और एक बात है दोस्तों, एक कीबोर्ड में जो भी ट्यून दिया है, जैसे कि सुन सकते हैं कैसे ट्यून दिया है, ये ट्यून को हम और भी मॉडिफाई करके और भी अच्छे तरीके से उसे सजा कर किसी भी, मतलब सुनने में जो अच्छा लगे वैसे करके हम खुद से सेट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा मैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है फंक्शन वाले बटन पर। फंक्शन वाले बटन को प्रेस किया, अब हमें चलना है कैटेगरी में। कैटेगरी चूज करना है हमें माइनस प्लस, प्लस वाले बटन को दबाना है। कैटेगरी 1 नंबर 2 3 4 नंबर तक हम लोग का कोई काम नहीं रहता। ट्विनिंग, ये है ट्विनिंग, देख सकते हैं। पीछे एक बार रिवर्स करके दिखा देता हूँ मैं, या ट्विनिंग से चालू होता है 5 नंबर बटन से। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका काम वही है कि पतला मोटा करने का। देख सकते हैं ट्विन मोटा हो रहा है, तो हमें आप लोगों को जैसे अच्छा लगे आप सेट कर लीजिएगा। ट्विनिंग का हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है ब्रॉन्ज का, ऐसे एक एक स्टेप करके आप सेट कर लीजिए। उसके बाद 7 नंबर पर आते हैं एस्प्लेंट का बटन। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके माइनस कर रहा हूँ, इधर आ रहा है। जैसे कि हम किसी भी गाने का कॉर्ड बजाते हैं तो ऐसे बजता है, इधर बजेगा ट्विनिंग। तो कहाँ तक आप लोगों को रखना है इधर, तो आप रख सकते हैं ट्विनिंग का बटन, हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक यहाँ तक रखते हैं, यहाँ से चलो। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। अब 8वां नंबर पर आता है टच बटन, ये सॉफ्ट मतलब होता है सॉफ्ट आ गया, ये मीडियम, ये हाई, ये ऑफ मतलब आप दबाएंगे तो बजेगा तुरंत। और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली सॉफ्ट में मेरे को तो सॉफ्ट में अच्छा लगता है क्योंकि सॉफ्ट में अगर हम धीरे बजाएंगे तो धीरे बजेगा, हम लोग जोर से प्रेस करेंगे तो जोर से होगा। तो चलिए सॉफ्ट का बटन हो गया। सॉफ्ट और एक बार समझा देते हैं, सॉफ्ट का मतलब है आप अगर धीरे दबाएंगे तो धीरे होगा, अगर जोर से प्रेस करेंगे तो जोर से बजेगा। तो सॉफ्ट में अच्छा लगता है, आप लोग को जैसे अच्छा लगे आप लोग सेट करिए। उसके बाद है मेन वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है इसको हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं जो वॉल्यूम है ये घट रहा है, देखिए। और हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं, 127 तक रहता है वॉल्यूम, 127 तक हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा दिए वॉल्यूम को 127 तक,
और साउंड क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब आता है मेन ऑक्टिव। मेन ऑक्टिव में क्या होता है कि आपका सुर कौन सा स्केल में आप गाते हो, कि आप मोटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो, देख सकते हैं। एकदम मोटा, ये पतला, ये पतला, तो जीरो में रखते हैं। तो इसको हम जीरो में रखते हैं क्योंकि जीरो में हम क्या है कि अच्छा लगता है सुनने के लिए। आप लोग को जैसे मर्जी आप सेट करिए। इसके बाद है मेन पेन। पेन का मतलब यह होता है कि दोस्तों जैसे कि आप कहीं भी 3D गाने सुने होंगे कि ऐसे ऐसे लहराते हैं साउंड, तो इस बॉक्स में मतलब देख सकते हैं, मैं बजा के आप लोग को दिखा रहा हूँ। 127 कर दिया, साउंड क्या है इस तरफ आ गया, और फिर कम करूँगा तो साउंड धीरे धीरे इस तरफ आ जाएगा। तो हम मीडियम में रखते हैं, 64 कर देते हैं इसको, 64 कर दिए। उसके बाद हम लोग आता है रिवाइव का, कि हमारा साउंड में कितना रिवाइव रहेगा। देख सकते हैं रिवाइव बढ़ रहा है, सुन सकते हैं, साउंड सुन के पता चलता है। तो हम लोग इसको 70 कर देते हैं। ओके, 70 कर देते हैं, 80 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम 70 कर देते हैं। इसको आप देखिए, तो इसके बाद आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं कोरस का। कोरस का मतलब आप सबको पता होगा कि कोरस क्या होता है। कोरस भी हम 12 घटा सकते हैं। चलिए चलते हैं 14 नंबर में। इसको क्या होता है, मेन अटैक, मतलब साउंड में अटैक्ट आएगा कि हम तुरंत दबाएंगे कि तुरंत काम करेंगे कि थोड़ा सा लेट में काम करेंगे। बटन कोई भी जैसे कि ऐसे कम कर देंगे तो तुरंत काम करेगा। यहाँ पर दबाऊंगा तो दबाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम बाद, और साउंड थोड़ा सा कम भी होता है, तो इसीलिए इसको हम रखते हैं 64 क्योंकि ये मीडियम है, 64 रख देते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। रिलीज़ का, साउंड हमारा कितना रिलीज़ होगा इसके बारे में तो आप सबको पता होगा कि रिलीज क्या होता है। जैसे कि मैं बजाऊंगा, रिलीज कितना देर तक होगा, तो इसको हम बड़ा बड़ा घटा सकते हैं। कम कर देंगे तो साउंड रिलीज ही नहीं होगा, देख सकते हैं। इसको बढ़ाएंगे तो, दबाऊंगे तो रिलीज साउंड रिलीज हो पाएगा, इसीलिए इसको रखते हैं हम 80 पर, क्योंकि रिलीज भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रिलीज अगर होगा तो अच्छा लगता है। मैं 75 कर देते हैं इसको, 75। इसके बाद आता है क्यू टॉप। क्यू टॉप का मतलब जैसे कि कोई आवाज़ पतला होता है, मोटा होता है, जैसे कि कोई बच्चे का आवाज़ हो तो थोड़ा सा पतला होगा, तो क्यू टॉप हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो आवाज़ पतला होगा, या दबाएंगे तो मोटा होगा। तो इसको हम कर देते हैं 70 नहीं, इसको 65 कर देते हैं। चलिए उसके बाद आगे आता है रिशो का। रिशो के बारे में आप लोगों को पता होगा कि देखिए साउंड में थोड़ा इफेक्ट है, वही है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आता है ड्यूअल वॉइस। अब ड्यूअल वॉइस क्या होता है कि एक साउंड के ऊपर हम दूसरे साउंड बजा सकते हैं। जैसे कि ये ड्यूअल बटन, ये रहा ड्यूअल साउंड। ड्यूअल साउंड के बाद अब देखते हैं ड्यूअल साउंड संतूर का आ गया, आवाज में कुछ चेंजिंग आया दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा बदलते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी ट्यून हो, हारमोनियम हो, सब हम इसमें कोई भी एक ड्यूअल वॉइस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हम संतूरी रखते हैं। उसके बाद आता है ड्यूअल वॉइस का वॉल्यूम। डी वॉल्यूम मतलब ड्यूअल वॉइस, मतलब ड्यूअल वॉइस का वॉल्यूम। तो चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, साउंड और थोड़ा बढ़ जाएगा, देखिएगा। इसको थोड़ा सा घटा देते हैं क्योंकि उतना अगर बढ़ाऊंगा तो सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। 110 तक रखते हैं इसको, नहीं 100 कर देता हूँ, 100। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन ऑक्टिव, ड्यूअल ऑक्टिव। देखिए दोस्तों, ये मैं जितना तक दिखाया आप लोगों को
मेन वॉल्यूम, मेन ऑक्टिव, मेन सब कुछ। अब आ गया ड्यूल, तो यही सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सरल है व्यंग सेट करना दोस्तों। आप एक एक फंक्शन करके सेट करिए, जितना तक देखिए आया कि मेन वॉल्यूम, मेन ऑक्टिव, मेन जितना फंक्शन है, 7-8 फंक्शन में आप लोगों को दिखाया हूँ कि इसमें हम वॉइस चेंज इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आता है ड्यूल, तो ड्यूल में भी ड्यूल बजेगा, लेकिन उसमें भी हम यही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, ड्यूल ऑक्टिव, उसके ड्यूल पेन, ड्यूल रिवाइव, ड्यूल कोरस, ड्यूल अटैच, ड्यूल रिलीज, सब कुछ सेम ही है। जैसे कि हम मेन रिलीज, मेन एक्टिव सब कुछ बताएं, वैसे ही सेम ही है। उसके बाद आता है क्यू टॉप, ड्यूल क्यू टॉप, ऐसे करके आप साउंड इधर उधर कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पूरा बारीकी से नहीं बता रहा, लेकिन आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद आता है आपका ये सिलेक्ट का आता है, ये है सिलेक्ट बटन, इसको हम और एक बटन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला बटन हारमोनी, ये हारमोनी का, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार ये 7-8 प्रोसेस है बस, इसको बस अप डाउन करिएगा, ऐसे प्लस प्लस दबाइएगा, सब कुछ आपको फंक्शन दिखने को मिल जाएगा। अब मेन बात आता है दोस्तों कि इसको हम बैंकिंग में सेट कैसे करें, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है दोस्तों। जैसे कि हम ये हो गया हम लोगों का, चलो एक बार बजा के देखते हैं कैसे साउंड आए हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे और साउंड भी बहुत बढ़िया बनाया हूँ। तो चलिए इसको हम बैंकिंग में सेट करते हैं। तो चलिए ये बैंक वाला बटन एक बार प्रेस करिए, और उसके बाद आपको 1, 2, 3, 4 जिसमें भी लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे कि इसका मैं बैंकिंग 2 का 1 में सेव कर दे, नहीं 2 में सेव कर देता हूँ। ये हो गया, देखिए वार्निंग हो रहा है, सेव हो रहा है, रुकिए 2 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगता है, बस वो सेट हो गया। बैंक का 2 नंबर, ऐसे भी आप 1 का 1 में भी सेट कर सकते हैं, 1 का 2 में भी सेट कर सकते हैं, ऐसे हम बैंकिंग सेट करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पता नहीं मैं ठीक से समझा पाया हूँ कि नहीं, फिर भी मेरे से जितना हो सका मैं समझाया हूँ, और बिल्कुल ही आसान है। आशा करता हूँ आप लोग बैंकिंग बनाना सीख गए होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ एक बात, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो ला सकूँ।